Hello everyone, welcome back to Insarkari. So, continuing with our series of capital markets. So, the topic, next important topic, is the the international organization of securities commissions. So, what is it? Is it function? Hai? Kaise function karti hai? When did it come into formulation? So, one international body hai which brings malab global level workers, world jo security regulators, hai, they they come on the single platform and they recognized as a global standard setter for the securities sector. So capital market ke li, or securities market ke li, specifically, we have this international organization of securities commissions. And it works intensively with even the G20 nations and the financial stability boards on the global regulatory reform agenda. So established in 1983, is objective objective investor protection. Like we have the major objectives of SEBI, promote the investor confidence and exchange information the global and regional levels. सो डेरिवेटिव मार्केट की हम बात करते हैं जब कैपिटल मार्केट की बात कर रहे हैं तो एक होती है इक्विटीज जिसमें हम शेयर्स बोलते हैं कि एक कॉमन यूज टर्म एज शेयर खरीदना डेरिवेटिव इज अ सेकेंड वी कैन से टाइप जिसमें आप इन्वेस्ट और ट्रेड कर सकते हो जिसमें दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ऑप्शन एंड फ्यूचर्स सो डेरीवेटिव हम क्यों बोलते हैं जो एक्चुअल इक्विटी शेयर प्राइस होता है रुपीज में उस प्राइस से डिराइव्ड होता है ऑप्शंस और फ्यूचर का प्राइस तो तो इसको हम derivatives बोलते तो, relatively जो रहता है से compare to, uh, suppose यहाँ पे अगर रिलायंस कंपनी का शेयर एंड उसका जो प्राइस होगा और ऑप्शन का प्राइस होगा ऑप्शन का प्राइस उससे सस्ता होगा तो इसलिए लोगों को लगता है कि ऑप्शन में ट्रेड करना बेटर है यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं बट एट द सेम टाइम फ्यूचर दे आर हाईली वोलिटाइल व्हेन वी कम्पेयर इक्विटीज सो फ्यूचर ऑप्शन दोनों फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है इनको हम यू नो सिंपल ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं इनक हम हेज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं बिकॉज टू एस टू इंक्रीज द सेफ्टी एंड रिड्यूज द रिस्क रिगार्डिंग दॉलेटाइल प्राइस मूवमेंट्स तो दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि फ्यूचर्स में यू रिक्वायर कॉन्ट्रैक्ट होल्डर टू बाई स्पेसिफिक डेट इन द फ्यूचर तो इसलिए इसको हम फ्यूचर इसलिए बोलते हैं कि प्री डिटर्मिट प्राइस पे आपको फ्यूचर पे एक जो डेट आज ही स्पेसिफाई हो जाएगी उस पर आपको सेल या बाय करना पड़ेगा ऑप्शन में इट गिवस दैक्ट होल्डर आपके पास एक ऑप्शन रहता है क्या आप उस यू नो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो तो सिंपली ये टर्मिनोलॉजी है डिफरेंस और क्लियरली अगर हम समझे तो कॉन्ट्रैक्ट होल्डर इज रिक्वायर टू टेक द ओनरशिप ऑफ द अंडरलाइंग एसेट यहाँ पे ओनरशिप लेनी पड़ती है आपको पहले ही वेन यू गेट इन टू द फ्यूचर्स ऑप्शन में आपके पास ऑब्लिगेशन नहीं है स्टार्टिंग में तो कॉन्ट्रैक्ट होल्डर के पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती है प्राइस ऑफ फ्यूचर्स परचेज द डिटर्मिन बाई कराइस वही वहीं से डिराइव होता है इनका प्राइसेज एंड प्राइस ऑफ फ्यूचर परचेज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट इसके अलावा फ्यूचर थोड़ा लेस वॉलेटाइल होता है कंपेयर टू द ऑप्शन सो ऑप्शन में हम एक टर्म यूज़ करते हैं कि दे दिक्लाइंस उसकी वैल्यू डी के होती है टाइम डी के एक टर्म हम यूज करते हैं यहाँ पे प्रीमियम उसकी बहुत जल्दी डी के होती है प्रीमियम हम बोलते हैं जो प्राइस होता है ऑप्शन का उसको हम प्रीमियम बोलते हैं तो फ्यूचर्स कंसिडरेबली सेफ है कंपेयर टू ऑप्शन फ्यूचर्स दे आर ये हमने देख लिया है एंड इसके अलावा इनिशियल मार्जिन पेमेंट आपको करनी पड़ती है तो एक जो टर्म सबसे ज्यादा हम बहुत यूज करते हैं वो है कि आपका ब्रोकर आपको कितना मार्जिन देता है तो उन मार्जिन के बेसिस पे भी थोड़ा बहुत हम बोल सकते हैं कि आपका कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करो करोगे या ट्रेड करोगे वो वेरी करेगा सो so, ऑप्शन दो टाइप के होते हैं पुट एंड कॉल पुट ज्यादा हम यूज करते हैं जब मार्केट बियरिश होती है पुट ऑप्शन मतलब मार्केट इज क्रैशिंग या बोल सकते हो डाउनवर्ड ट्रेंड में डाउनवर्ड ट्रेंड में भी ऐसे आती है वो कॉल्स होता है जब आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि प्राइस इज गोइंग टू इंक्रीज द मार्केट इज बुलिश सो यू टेंड टू बाय कॉल सो पुट में इट द कॉन्ट्रैक्ट होल्डर द राइट बट ऑब्लिगेशन नहीं होती टू सेल एन अंडरलाइंग एसेट तो पुट में अभी इसलिए मैंने बोला कि ये बियरिश मार्केट में इसलिए होता है क्योंकि स्टॉक मार्केट में आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप पहले सेल कर सकते हो तो यहाँ पे आपके पास राइट right है कि आप उसको सेल कर सकते हो पुट ऑप्शन को तो सेल करोगे अगर आपको लग रहा है मार्केट बियरिश है वो क्रैश करेगी और इस प्राइस पे आप उसको फिर बाय कर सकते हो बाद में तो ये जो गैप हुआ ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा और कॉल में ये होता है इट कॉन्ट्रैक्ट होल्डर द राइट टू बाय बाय इसीलिए पहले बुलिश है तो अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो आप इस प्राइस पे सस्ते प्राइस पे बाय करोगे और हायर प्राइस पे आप सेल करोगे तो ये एक बेसिक डिफरेंस है एंड यहाँ पे भी प्रीमियम रहता है फॉर द ऑप्शन और यहाँ पे ज़्यादा जल्दी डी के होता है मतलब एक टाइम पीरियड होता है वीकली बेसिस पे भी आप एक टाइम पीरियड रहता है कि एक हफ्ते के लिए भी आप ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो या इन्वेस्ट कर सकते हो और यहाँ पे मंथली बेसिस पे भी आप कर सकते हो बट फ्यूचर्स में सिर्फ आप मंथली बेसिस पे ही कर सकते हो एंड ऑप्शन मतलब अगर आप बाई कर रहे हो तो जो प्रीमियम है वो आपका मैक्सिम रिस्क होता है बट ऑप्शन आप सेल कर रहे हो तो उसमें risk जो है, वो infinite, बहुत बड़ा रिस्क है मतलब जितना पैसा आपने लगाया उससे ज्यादा भी रिस्क आपको या लॉस हो सकता है इन केस ऑफ पुट ऑप्शन सेलिंग तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन द अदर हैंड देू can and and do give into negative pricing also and this is because futures futures contract required to buy the 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 underlying asset regardless of the market price. so difference between option futures based on the liquidity. तो so, ये बोला जाता है कि ऐसे शेयर के प्राइसेस में फ्यूचर्स में आपको बाय करना चाहिए या ट्रेड इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे लिक्विडिटी थोड़ी ज्यादा हो तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स दे आर द प्योरेस्ट कमोडिटी डेरीवेटिव दे आर एज नियर टू ट्रेडिंग एज यू गो विदाउट एक्चुअली ट्रेडिंग क्योंकि वर्चुअल फॉर्म में ट्रेड हो रहा है सो कॉन्ट्रैक्ट डिग्री ऑफ लिक्विडिटी दैन द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एज ए रिजल्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा सुटेबल भी है फॉर द डे ट्रेडिंग तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा लिक्विड है मूव फास्टर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट तो दोनों की हम बोल सकते हैं कि एक एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है प्राइसेस फ्यूचर्स प्राइसेज के बट ऑप्शन मनी ऑप्शन थोड़ा ज्यादा डिटेल हो गई एट द मनी ऑप्शन होता है एक इन द मनी ऑप्शन होता है एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होता है तो so, यहाँ पे भी एट द मनी ऑप्शन को ज्यादा हम सेफर कंसिडर करते हैं तो दिस सम मे बी फिफ्टी परसेंट वाइल जो डीप आउट ऑफ मनी ऑप्शन ओनली टेन परसेंट मतलब कि जो आउट ऑफ मनी ऑप्शन होते हैं उनका प्राइस और भी कम होता है तो so, वहां पे रिस्क बहुत ज्यादा होता है एट द मनी ऑप्शन में वॉलिटिलिटी ज्यादा मूवमेंट भी ज्यादा होती है एट द मनी वाले गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस सिटी विच इज लोकेटेड इन गुजरात आई एफ भी बोलते हैं इसको एंड दिस वॉज फॉर्मुलेटेड इन टू थाउजेंड ट्वेंटी स्पेसिफिकली फाइनेंशियल इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए वी हैव दिफ्ट सिटी फाइनेंशियल सर्विस जो भी कंपनीज फाइनेंस से डील करती है दे हैव देर ऑफिस इन द गि लाइक हम इसको बोल सकते हैं जैसे एस सी जेड है फॉर द प्रमोशन ऑफ मैन्यूफैक्चरिंग वी हैव गिफ्ट सिटी फॉर देंशियल सर्विस एंड देव डेडिकेटेड इंडेक्स ऑल्सो ग्लोबल फाइनेंशियल इंडेक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री और रिसेंटली इंडियन कैपिटल मार्केट में फिन निफ्टी भी एक इंडेक्स लॉन्च किया गया है जो अगेन फाइनेंशियल कंपनीज के जो शेयर प्राइस में मूवमेंट है वो इसको एज एन इंडिकेटर हम यूज करेंगे so we are trying to integrate more with the global financial markets hong kong ki hum kare it is a gateway to china it has also eased investors into chinese markets with a fewer capital controls and relaxed compliance so hong kong is an important market a financial market shanghai hong kong stock connect so uh, humne baat kari in terms of market capitalization usa is in the first rank followed by china

और डीपनिंग मतलब कि और कैसे हम इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं सो so, और क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं टू स्ट्रेंथन द गिफ्ट सिटी सो फर्ट इट शुड एक्सपैंड द ब्रेड ऑफ द स्टॉक ऑफरिंग जो ऑप्शन हम ऑफर कर रहे हैं मतलब नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स डाइवर्सिफाइड इंस्ट्रूमेंट्स हमें और इंक्रीज करने की ज़रूरत है

So, this will signal a pro investor stance and will be able to attract more investors. Thirdly, a opportunity to grant the gift to FSE entities is the privilege to interface with the global exchanges. They can interact with the global exchanges also and great recognition. Usse and recently, we also saw the global emerging bond market index in India. Kuch companies ko list kiya gaya. So, that is also an, we can say, uh, you know, symbol of uh, greater global recognition. Finally, we can say gift city it is also pioneer sovereign masala bonds, kar sakte, which could help in further diversifying financial products. Now, coming to what is venture capital. So, this next part mein cover karengi. So, let's keep it this much. Now, Oshik, if you have any doubt regarding the topics covered pray now. No, Mansi. Okay, so thank you so much for joining in this session. Do subscribe to Unsarkari.